हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अंधायुग नाटक के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अंधायुग नाटक के महत्वपूर्ण अंशों को हमने दो पार्ट में बांटा है, जिसका फर्स्ट पार्ट की वीडियो आप अब देख रहे हैं। इसके सेकंड पार्ट की वीडियो आगे अपलोड की जाएगी। चलिए अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इस नाटक का पहला महत्वपूर्ण अंग है, यह अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। हे एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का। वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त, पर शेष अधिकार है अंधे, पदभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित, अपने अंतर की आत्महारा विगलित, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है। बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह प्रसंग अंधायुग नाटक से लिया गया है। इन पंक्तियों में नेपथ्य से की गई उद्घोषणा के रूप में अंधायुग का परिचय दिया गया है। अब इसका क्या परिचय दिया गया है, वह हम इसकी व्याख्या में देखेंगे। इसकी व्याख्या है, महाभारत के भयंकर युद्ध के अंततर धरती पर अंधायुग का आगमन हुआ। अंधे व्यक्ति को वास्तविकता का भान नहीं होता, उसके समक्ष सभी वस्तुएं विकृत होती है। इसी कारण इस अंधायुग में स्थितियां, लोगों की चित्त वृत्तियां एवं आत्माएं विकृत हो जाती हैं। लोग निर्मर्याद हो चुके हैं, उनमें मर्यादा का एक बहुत ही भयंकर सा सूत्र विद्यमान है, पर वह भी दो पक्षों में उलझा हुआ है। दोनों पक्षों की मर्यादा समस्या को सुलझाने का साहस केवल कृष्ण में ही है, क्योंकि कृष्ण ही ऐसे व्यक्ति हैं जो भविष्य की रक्षा करने में सक्षम है और आसक्ति रहित हैं। कृष्ण के अतिरिक्त शेष व्यक्ति अधिकांश पृष्ठभर आत्महीन और क्षीण है। ये प्राणी अपने कुंठित अंतर की अंधी गुफाओं में वास करते हैं, अर्थात कुंठाग्रस्त हैं। उनके सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। प्रस्तुत नाटक में इन्हीं अंधों की कथा निबद्ध है, अथवा इसे यों कहा जा सकता है कि अंधों के सहारे ज्योति की कथा इस नाटक में निबद्ध है। भाव यह है कि यथार्थ के माध्यम से पुरातन आदर्श की सूचना दी गई है। यदि हम इस अंश की विशेषताएं देखें, तो इसकी पहली विशेषता है, यहाँ नाटक के नामकरण की ओर इंगित किया गया है। नाट्यशास्त्र का यह नियम है कि पूर्व रंग के अंततर रंगमर्च स्थापक प्रवेश करके काव्य की स्थापना करता है। दूसरा, अंधायुग एक प्रतीक नाटक है। महाभारत का युद्ध विश्व युद्ध का प्रतीक है, उसके बाद का अंधायुग वर्तमान युग का प्रतीक है। दो पक्ष रूस और अमेरिका के प्रतीक माने गए हैं। इस प्रकार प्राचीन कथा में नए युग का चित्रण है। कृष्ण मानव मूल्यों के प्रतीक हैं, जो भविष्य की रक्षक हैं। इस नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण गद्यांश है, टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज़्यादा, यह रक्तपात अब कब तक समाप्त होना है। क्या अजब युद्ध है, नहीं किसी भी जय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों में शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक की हारा, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था,
कोमलतम था, वह हार गया, द्वापर युग बीत गया। बात की जाए इस अंश के प्रसंग की तो 3 बार तुर्यनाद के अंततर कथा गायन होता है, जिसमें एक तरफ नाट्य पद्धति के अनुकूल मूल कथा का वर्णन है तो वहीं दूसरी तरफ 3 बार तुर्यनाद करने को संकेत मंच पर होने वाली नाटक की कथा के प्रति पाठकों दर्शकों को जागरूक करना है। बात की जाए इस अंग की व्याख्या की तो महाभारत के इस युद्ध में मर्यादा खंडित हो गई, उसका दायित्व अकेले पांडवों पर होगा, ऐसा नहीं है। यह मर्यादा का खंडन दोनों कौरवों तथा पांडवों ने किया है। अंतर बस इतना है कि इस मर्यादा का बिखराव पांडवों ने कुछ कम और कौरवों ने कुछ ज़्यादा किया है, पर भागीदार दोनों हैं। पता नहीं यह रक्तपात कब समाप्त होगा। वैसे यह युद्ध भी अजब रहा, इसमें किसी भी पक्ष की जीत नहीं होती, अंततः दोनों पक्षों ने इसमें खोया ही खोया है। महाभारत युद्ध के समय अंधे धृष्टराष्ट्र से सिंहासन शोभित था, अतः राजपक्षीय होने के कारण अंधापन ही सर्वथा विजय होना था, वही हुआ। दोनों पक्षों में विवेक की पराजय हुई। विवेकी युयुत्सु जब पांडवों की ओर से लड़ा तो कौरवों की दृष्टि में भी हीन हुआ और भीम से भी अपमानित हुआ। इसके विपरीत जो विवेक बुद्धि को तिलांजलि दे बैठा वही दोनों पक्षों में जीता। निहत्थे गुरु द्रोणाचार्य का विवेक सहित धृष्टद्युम्न ने वध किया, शक्ति उन्हें मिली। जब अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों के निर्मम हत्या कर दी तो उनकी विजय हुई। यदि वह मर्यादा का विचार करता रहता तो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी प्रकार भीम दुर्योधन को अधर्म से ही जीत पाया। इस प्रकार भय का अंधापन, ममत्व का अंधापन और अधिकारों का अंधापन दोनों ही पक्षों में विजय सिद्ध हुआ, तथा जो कुछ सुंदर शुभ एवं कोमलतम था वह हार गया और इस प्रकार वह द्वापर युग बीत गया। यह महायुद्ध के अंतिम दिनों की संध्या है। चारों ओर गहरी उदासी छाई हुई है। कौरवों के महलों में जहाँ भी खूब आवाजाही रहती थी, वैभव विलास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहती थी, गलियारे सूने पड़े रहते थे जिनमें केवल 2 बूढ़े प्रहरी घूम रहे थे। बात करें इस अंश की विशेषताओं की तो इसकी पहली विशेषता है इन पंक्तियों में लेखक की प्रतीकात्मक शैली और आधुनिकता का प्रकाशन दृष्टवत हुआ है। दूसरा, अंधों से शोभित था युग का सिंहासन। यहाँ शोभित में लक्षण लक्षणा है, जिसमें इसका अर्थ है कलंकित होना। जब प्रभुसत्ता ही अंधी होगी तो फिर विवेक की क्या चलेगी। इस नाटक का तीसरा महत्वपूर्ण अंश है धृतराष्ट्र पर वह संसार। स्वतः मेरे अंधेपन से उपजा था, मैंने अपने ही व्यक्तित्व संवेदन से जो जाना था केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत। इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन में सारे भाव किए थे विकसित। मेरी सब वृत्तियाँ उसी से परिचालित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही व्यक्तिक था। उसमें नैतिकता का कोई भ्रम मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी मांसलता से उपजे थे वह ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वह नीति थी, मर्यादा थी। बात की जाए इस काव्यांश के प्रसंग की तो महाभारत युद्ध के अंतिम दिन रात्रि में धृतराष्ट्र के चिंतित होने पर विदुर उसे बताते हैं कि धृतराष्ट्र के चित्त में जो आशंका आज व्यापी है वह तो वर्षों पूर्व सबको हिला गई थी। भीष्म, द्रोण और कृष्ण ने पहले ही मर्यादा ना तोड़ने के लिए कहा था। इस पर धृतराष्ट्र अपने जन्माधत्व को बाहरी
यह सामाजिक मर्यादा को ना देखते का हेतु बताता है। विदुर के ये कहने पर कि जैसे संसार को किया था ग्रहण अपने अंधेपन के बावजूद, वैसे ही मर्यादा ग्रहण करनी थी। धृतराष्ट्र इन शब्दों में अपना पक्ष प्रस्तुत करता है और वह कहता है, अब हम इस काव्यांश के व्याख्या में देखेंगे कि धृतराष्ट्र क्या कहता है। धृतराष्ट्र कहता है, विदुर, जिस संसार को मैंने ग्रहण किया था वह भी मेरे अंधेपन से उत्पन्न हुआ था। मैं स्वार्थानंद था। जितना मैंने अपने स्वार्थपरक व्यक्तिक दृष्टिकोण और अनुभूति से जाना था, उतना ही मेरे लिए वस्तु जगत था, अर्थात मेरे लिए मेरे लाभ की ही प्रतिपादन करने वाला संसार था। शेष का मुझसे कोई संबंध नहीं था। जिस प्रकार बाजीगर रात्रि के अंधकार में घोड़े पर या दीवार पर एक काला बिंदु बनाकर उसी से समस्त बाजीगिरी की माया का विकास करते हैं, उसी प्रकार मेरे मन में भी मेरी स्वार्थान्ता के काले बिंदु से मेरा समस्त जीवन परिचालित था। मैं उन्हीं को स्नेह करता था जो मेरे थे, मैं उन्हीं से घृणा करता था जो मेरे नहीं थे। मेरी नीति यही थी कि अपनों को लाभान्वित करूं, और मेरा धर्म भी यही था कि अपनों का पक्ष लूं, भले ही वह उचित हो या अनुचित। मेरे लिए सामाजिक मर्यादा का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि मेरा समाज तो कौरव ही थे। क्योंकि मैं विवेक की ओर से आंसू आंखें मूंदे हुए था, अतः मुझ अंधे के लिए कौरव ही अंतिम सत्य थे, और उनके प्रति ममत्व अंतिम मर्यादा और नीति थी। ऐसे में भले ही मुझे भीष्म, द्रोण या कृष्ण समझाते, मैं कैसे उनकी बात को सुन सकता था। अब हम इस काव्यांश की विशेषताएं देखेंगे। इसकी पहली विशेषता है, धृतराष्ट्र को लेखक ने आज के उस शासक के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है जो भाई भतीजावाद का पोषक है, जिसके आगे अपने युगों की बात मान्य होती है, भले ही न्याय का गला घुटता हो। ऐसे शासक को पश्चाताप तो होता है, पर तब होता है जब उसका सर्वनाश हो जाता है। दूसरा, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा, काले बिंदु वैयक्तिक स्वार्थ लाभों का प्रतीक है। यह बिंदु व्यक्ति को आत्मनिष्ठ बनाता है, लिहाजा वह अपने सीमित दायरों में ही लाभ हानि मंगल अमंगल सीमा मर्यादा की रूपरेखाएं बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने इतिहास क्रम में राजतंत्र सामंतवाद पूंजीवाद का प्रतीक है। इस नाटक की चौथा महत्वपूर्ण प्रसंग है, मेरी व्यक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता था। आज मुझे भान हुआ, सहसा यह उगा कोई बांध टूट गया है। कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरी व्यक्तिक अनुमानित सीमित जग को लहरों की विषतम जिह्वाओं से निगलता हुआ मेरे अंतर्मन में बैठ गया। सब कुछ बह गया, मेरे अपने व्यक्तित्व मूल्य, मेरी निश्चित किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं। अब हम इस अंश के प्रसंग को देखेंगे। धृतराष्ट्र के लिए कौरव ही अंतिम सत्य थे, ममता ही अंतिम नीति और मर्यादा थी, किंतु महाभारत के पहले ही दिन से वह अंतिम सत्य कौरवों का सैनिक बल जूठा और शक्तिहीन सिद्ध होने लगा था। इस तथ्य का विदुर द्वारा प्रकाशन करने पर धृतराष्ट्र प्रस्तुत पंक्तियों में अपनी वास्तविकता का परिचय देता है। धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, ये हम इसकी व्याख्या में देखेंगे। चलिए हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। धृतराष्ट्र कहता है, आज महाभारत के 18वें दिन मुझे प्रतीत हुआ कि जैसे मैं एकमात्र सत्य समझता था, उसके अतिरिक्त भी सत्य है। मैं तो कौरवों को ही अपने व्यक्तिक संवेदन से परम सत्य समझता था, किंतु उसकी निरंतर पराजय ने सिद्ध कर दिया कि
उनके अतिरिक्त भी सत्य है। आज सहसा मेरे मन में संकुचित दृष्टिकोण का लोप होने लगा है। जिस प्रकार कोई टूटा बांध अथवा करोड़ों योजन तक गर्जना करता हुआ समुद्र सीमित बस्ती को निगल जाता है, बहा ले जाता है, उसी प्रकार आज इस सत्य के भान से मेरी निश्चित किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं बह गई। मेरा सीमित अनुमानित जगत विलुप्त हो गया। अब हम इस प्रसंग की विशेषताओं को देखते हैं। इसकी पहली विशेषता है, प्रायः मनुष्य तब तक अपनी मान्यताओं को ही सर्वभौम मानता था जब तक उसको ठोकर ना लगे। ठोकर ना लगने पर वह मानने लगता है कि उसकी मान्यता ही एकमात्र सत्य नहीं था। प्रस्तुत पंक्तियों में इसी तथ्य की ओर संकेत है। इसकी दूसरी विशेषता है, निश्चित किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं। धृतराष्ट्र कौरवों के प्रति निश्चित रूप से पक्षपाती था, किंतु था अविवेक ग्रस्त। अंधयुग नाटक का पांचवा महत्वपूर्ण अंश है, संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असमंजस के वन में। दायित्व गहन, भाषा अपूर्ण, श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा जो संकट उनको संकट क्षण में। वह संजय भी इस मोहनिशा से घिरकर है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर। इस अंश की प्रसंग को देखें तो संजय के माध्यम से आधुनिक कवि कलाकार के गहन दायित्व बोध और कर्तव्य की भटकन का संकेत देते हैं। अब हम इस अंश की व्याख्या देखेंगे। इसमें कवि कहता है, संजय तटस्थ दृष्टि वाला शब्दों का शिल्पी है। वह क्या करूं क्या ना करूं के असमंजस वन में भटक रहा है। उस संजय कलाकार का दायित्व बड़ा गहन है, जिसे निभाने के लिए उसके पास अभिव्यक्ति का संकट है और मजबूरी यह है कि सुनने वाले अंधे हैं, ना स्थिति को देखते हैं ना समझते हैं। लेकिन यह कवि का विश्वास है कि संकट की घड़ी में यदि कोई सत्य कहने वाला था, सत्य दिखाने वाला था, तो वह संजय था। दुर्भाग्य से वह संजय भी इस मोह रात्रि में घिरकर ना जाने किस कटीली डगर पर भटक रहा था। बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है, संजय कवि का प्रतीक है। दूसरा, असमंजस कर्तव्यता का संकट एक प्रकार कलाकार पर सत्ताधारियों के दबाव पड़ते हैं और दूसरी तरफ उसमें आत्मा के साथ को कहने की भी लालसा होती है। एक के कहने में सुविधा है और दूसरे के कहने में संकट। परिणामतः आज का कलाकार ऐतिहासिक पात्र संजय की तरह सुविधा और संकट के असमंजस्य में पड़ा हुआ है। इस नाटक का छठा महत्वपूर्ण अंश है, जिसमें अश्वत्थामा कहते हैं, मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का, पता नहीं कैसे वह, मैंने नहीं मारा उसे, मातुल विश्वास करो। इस पर कृपाचार्य कहते हैं, सो जाओ अश्वत्थामा, सो जाओ, पहरा मैं देता रहूँगा आज रात भर। इस अंश के प्रसंग को देखें तो अश्वत्थामा और कृतवर्मा दोनों ही पीड़ित हैं, एक मनोग्रंथि से और दूसरा शौर्य के अभाव से। दोनों का ही शांत होना अनिवार्य है और इसकी जिम्मेदारी उम्र के लिहाज से अंधों के परिणाम से कृपाचार्य पर है। प्रस्तुत संदर्भ में इसी दिशा की ओर संकेत है। अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। मनोग्रंथियों के जाल में कश्मकश करते अश्वत्थामा के अवचेतन मन ने जब यह सुना कि हमने अकेले और निहत्ते अभिमन्यु को मार दिया, तो वह सोए सोए बड़बड़ाया, मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो भविष्य का वध करना चाहता था,
पता नहीं वह बूढ़ा कैसे मर गया। मातुल, विश्वास करो, मैंने उसे नहीं मारा। कृपाचार्य समझाते हैं, सो जाओ अश्वत्थामा, सो जाओ, और कृतवर्मा तुम भी सो जाओ, आज रात भर मैं पहरा देता हूँ। इसकी विशेषता है फ्रॉयड का सिद्धांत कि मनुष्य जो बात चेतन होकर नहीं कह पाता उसे अवचेतन में दबा लेता है, वह बात प्रकट अवश्य होती है और उसके पुष्टिकरण का सही माध्यम स्वप्न ही होता है। इस नाटक का सातवां महत्वपूर्ण अंश है, जिस तरह बाढ़ के बाद अतरंगी गंगा तट पर तज जाती, विकृति शव अत खाया, वैसे ही तट पर तज अश्वत्थामा को इतिहासकारों ने खुद नया मोड़ अपनाया। यह छटी हुई आत्माओं की रात, यह भटकी हुई आत्माओं की रात, यह टूटी हुई आत्माओं की रात, इस रात विजय में मदोन्मत पांडव गुण, इस रात विवश छिपकर बैठा दुर्योधन, यह रात गर्व में तने हुए माथों की, यह रात हाथ पर धरे हुए हाथों की। चलिए अब हम इस काव्यांश के प्रसंग को देखते हैं। कौरवों और पांडवों के कर्तव्य का परिणाम प्रस्तुत गीत में है। इसकी व्याख्या है, जिस प्रकार बाढ़ के बाद उतरती हुई गंगा अपने किनारों पर विकृत और अतखाए शव छोड़ जाती है, वैसे ही सहस्त्र दिन में महाभारत की बाढ़ अब उतर गई है और अपने किनारे पर विकृत अश्वत्थामा को छोड़कर इतिहास का एक नया मोड़ अपना लिया है। आज की यह रात बची हुई आत्माओं की रात है, भटकी हुई आत्माओं की रात है, टूटी हुई आत्माओं की रात है। इस रात में एक तरफ पांडवगण है जो विजय के नशे में मस्त हैं और दूसरी तरफ दुर्योधन है जो विवश होकर छिपा बैठा है। यह रात एक तरफ पांडव दल के गर्व से तने हुए माथों की रात है तो दूसरी तरफ हाथ पर हाथ धरे हुए कौरव दल के अविशिष्ट योद्धाओं की रात है। इस नाटक का आठवां महत्वपूर्ण अंश है जिसमें विदुर कहते हैं, विदुर, इस पर विषाद मत करो युयुत्सु, अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से, यह तो मिलता ही है सदा उन्हें जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। इस अंश के प्रसंग को देखें तो घायलों के साथ धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु भी, जो पांडवों की ओर से लड़ा था, कौरव नगरी में आ जाता है, उसे देखकर पहचान लेते हैं और गंधारी के पास चलने को कहते हैं। वह उसे ही कौरवों में एकमात्र गर्वोन्नत मस्तक वाला सत्यपति बताते हैं। इस पर युयुत्सु व्यंग्य से कहता है कि मैं सत्य पर चला, तभी तो लोगों ने मुझे दैत्याकार शिशुभक्षी बताया। इस पर विदुर उसे निराश ना होने के लिए कहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों विदुर का ही कथन है। इसकी व्याख्या देखें जिसमें विदुर कहते हैं, युयुत्सु, इसका खेद मत करो कि तुम्हें लोगों ने शिशु भक्षी दैत्याकार बताया है और तुम्हें आता देख लोगों ने किवाड़ बंद कर लिए। यह तो संसार का नियम है कि जो व्यक्ति लकीर के फकीर ना होकर स्वतंत्र पथ जो उन्हें अच्छा लगता है और जिसका निर्धारण वह स्वयं करते हैं उस पर चलते हैं, उन्हें अज्ञानी भयग्रस्त रूढ़िवादी साधारण प्राणियों से अवहेलना और अपमान मिलता ही है। तुमने क्यों दुर्योधन का पक्ष ना लेकर पांडवों का पक्ष लिया? अतः दुर्योधन पक्षीय समस्त व्यक्ति तुम्हारी निंदा करेंगे ही। इसकी विशेषता है यह नवीन विचारों के प्रति पुराणत्ववादी की अपेक्षा बुद्धि की ओर संकेत है, किंतु यदि बटोही न्यायपथ चलने वाला हो तो उसे चिंता और विषाद नहीं करना चाहिए, उसे चलते ही जाना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है जिसमें हमने अंधा युग नाटक के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या के बारे में जाना। इससे आगे के अंशों की व्याख्या हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।